Hey guys, Hare Krishna, welcome to Naya Vlogs. If it is this channel, hi, my name is Divya. I hope you all are fine, बिल्कुल ठीक हो, first class हूँ, मज़ेदार हूँ. So guys, I'm back again with another video. So आप लोगों की बहुत सारी request आ रही थी कि please Q&A video बनाओ. So I am here and I'm so sorry, मैं इतनी लेट ये video बना रही हूँ because there were so many things which were going on side by side. तो मैं बहुत ज़्यादा busy हो गई थी, but I'm back और मैं पूरी कोशिश करूँगी that I'll be answering all your questions, जितने भी questions आप लोगों ने comment section में मेरे को दिए थे. So stay tuned and watch this video till end. Okay guys, so I have all the questions in my laptop. मैंने सारे questions खोल लिए हैं. So one by one I'll be answering all your questions. So our first question comes in. Please आप English कैसी की थी 10th में? My English is very weak, especially the grammar. Okay, so this person is asking me. मेरे पे यहाँ नाम नहीं आ रहा, user something something. तो English मेरी काफी अच्छी रही है from starting. Personally English कैसे करी थी मैं अगर समझाऊँ तो देखो, मैंने सैम्पल पेपर्स ना इंग्लिश के बहुत सारे लगाए थे. मतलब बहुत सारे तो ज़्यादा ही हो गया, मतलब मैंने इंग्लिश के सैम्पल पेपर 15 लगाए थे, जो कि एक सैम्पल पेपर बुक आती है इंग्लिश की, ओसवाल की मैंने यूज़ करी थी, आप भी उसको यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो 15 सैम्पल पेपर्स उसके अंदर आते हैं. मैंने 15 के 15 सैम्पल पेपर्स लगाए थे विद 3 आवर्स फुल डेडिकेशन. मतलब मैं क्या करती थी, 2 घंटे 30 मिनट का टाइमर सेट करती थी. ठीक है, जिसमें मैं 15 मिनट रीडिंग टाइम भी देती थी अपने आप को. 15 मिनट में मैं अपना सेट करती थी कि ठीक है, 15 मिनट में मेरे को कॉम्प्रिहेंशन रीड कर लेना है एंड आई विल ट्राई कि रीड करने के बाद मैं ग्रामर भी थोड़ा उस रीडिंग टाइम में ही करने की कोशिश करूं. पर कई बार हो जाती थी, कई बार नहीं भी हो पाती थी. आफ्टर डूइंग दैट फिर अब मेरा लिखने का राइटिंग टाइम शुरू होता था, पर मैं राइटिंग टाइम सिर्फ अपने आप को 2 घंटे 30 मिनट देती थी. क्यों ऐसा देती थी? बिकॉज जब आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे होते ना, आप पे बर्डन होता है, प्रेशर होता है. बट जब घर पे लिख रहे होते हैं आपको कोई प्रेशर या बर्डन नहीं होता है. आपको पता है आपको खुद चेक करना है, दे दूंगी यार नंबर, है ना. तो वो प्रेशर में क्या होता है, आप 3 घंटे आपके लिए, मतलब आपका पेपर जल्दी खत्म हो जाता है, आप पे वो लिखने का बर्डन कुछ नहीं होता. बट जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे होते हैं ना, आप पे बर्डन होता है, आप थोड़ा इधर उधर भी देख रहे होते हो, चीजें बहुत कुछ डिफरेंट होती है एक जब आप बोर्ड एग्जाम में. तो मैं वहाँ थोड़ा, मेरे को लगता है कि वो आधा घंटा ना थोड़ा ऐसे ही चला जाता है, लेकिन 15 मिनट तो चले ही जाते हैं, आप थोड़ा इधर उधर देख रहे हो ये सब. तो इसलिए मैं वो आधा घंटा कम करती थी. तो आप भी ये कर सकते हो कि सैम्पल पेपर्स लगाओ. ये एंड डेज में करना जब सिलेबस खत्म हो जाए. अगर मैं सिलेबस खत्म करने की बात करूं तो वो कैसे करना है, मैंने कैसे किया था, मैं अपना बताऊंगी आपको. अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप उस चीज को देख लेना. हमें मैम पहले ही बता देती थी कि आई विल बी स्टार्टिंग दिस चैप्टर. मैम के समझाने से पहले पूरा चैप्टर खुद रीड करके जाती, सिर्फ रीड करती थी, समझने की कुछ कोशिश नहीं करती, सिर्फ रीड करती थी. स्कूल में टीचर समझाती थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैम बता देती थी वो लिख लेती थी और ऐसी चीजों को करती थी. उसके बाद व्हाट आई यूज्ड टू डू, पेपर आ रहे होते थे उस टाइम पे पढ़ती थी. तो जब उस टाइम पे मैं कैसे करती थी कि यूट्यूब से कोई भी वीडियो देख लेती थी. दे आर मेनी चैनल्स, मैं आपको यहाँ पे डाल दूंगी उन चैनल्स के नाम, मुझे भी करेंटली याद नहीं आ रहे, जिनसे मैं कई बार वीडियोज देख लेती थी. कई बार टाइम बचता था तो आई टू प्रैक्टिस ग्रामर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. इंग्लिश में एक बुक है जिसकी मैं फोटो यहाँ डाल दूंगी, इस बुक को आप खरीद सकते हो. ठीक है, इसमें हर एक चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते थे, मैं यहाँ से उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करती थी, जो कि मुझे बहुत हेल्पफुल होती थी. मतलब मेरे को पता चल जाते थे कि ओके, इस क्वेश्चन से ये टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. और मतलब मेरे को लिखने का पैटर्न पता चल जाता था कि ओके, मैं ऐसे लिख सकती हूँ चीज़ों को. अगर मैं ग्रामर के लिए, आपने बताया आपकी ग्रामर बहुत वीक है, तो आप ग्रामर के लिए आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस से ही आएगी ग्रामर. अपने बेसिक्स क्लियर करो. वो बेसिक्स कैसे क्लियर होंगे, बेसिक्स क्लियर होंगे प्रैक्टिस से. सो जस्ट डू प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर. आपको इंटरनेट पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा बुक खरीदने की जरूरत नहीं है. ठीक है, यू कैन फाइंड सो मेनी वेबसाइट्स विच आर प्रोवाइडिंग सो मेनी गुड क्वेश्चंस ऑन इंटरनेट. कितना ही टाइम लगता है इंग्लिश के क्वेश्चंस करने में, ज्यादा टाइम नहीं लगता है. एक सोचो कि एक वर्कशीट मैं रोज करूंगा. ठीक है, टेंसेस क्या, एक वेबसाइट से जाके इतने टेंसेस के 20 क्वेश्चन मैं जरूर करूंगा या करूंगी. सो अगर आप ऐसे करोगे हो जाएगी. इंग्लिश इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. आंसर्स को फ्रेम करने की कोशिश करो. अगर आपको लगता है कि मेरे से शायद आंसर्स भी नहीं फ्रेम होंगे, रोज एक पैरा लिखो और फिर उस पर वर्क करो, इंग्लिश हो जाएगी. बस चीज़ कोई भी वीक होती है तो उसको प्रैक्टिस से ही वो चीज़ आगे बढ़ेगी. अगर आप कुछ नहीं करोगे तो मुश्किल है चीजों को करना. आई होप आई ट्राइड माई बेस्ट क्लियरिंग योर डाउट. कोई भी डाउट हो स्टिल यू कैन कमेंट मी. कमेंट सारे पढ़ती हूँ. सो अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, जो कि सिया ने दिया है. हाय दीदी. हेलो. फर्स्ट क्वेश्चन, कैन यू ब्रीफ ऑन हाउ डिड यू स्टडी SST? एंड ऑल्सो आई एम वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट द परसेंटेज. आई ऑलमोस्ट वेस्टेड माई समर वेकेशन डूइंग नथिंग. वॉट शुड आई डू? पहली बात तो डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ. ठीक है, 10th क्लास बहुत आसान है, हो जाएगी, बस मेहनत करो कंसिस्टेंसी से. 10th क्लास की टेंशन मत लो यार. टेंशन से क्या ही क्या उखाड़ लोगे, कुछ नहीं होगा. टेंशन से अपनी ही बॉडी को हार्म करोगे. एट लास्ट लोगों के साथ चलते रहो बिना कोई स्ट्रेस के. जस्ट फील लाइक, अपने दिमाग पे ना कोई भी बर्डन मत आने दो, बिल्कुल फ्रीली चलने दो 10th क्लास को. 10th क्लास
की पता है, देखो जब मैं 10th क्लास में था मेरे को भी था, सबको होता है, थोड़ा बहुत रखो स्ट्रेस होना भी चाहिए उतना। मैं ये नहीं बोल रही बिल्कुल ही टेंशन ले रहे हो जाएगा देखा जाएगा, ऐसे भी नहीं करना है हमें, थोड़ा स्ट्रेस होना चाहिए चीजों का, क्योंकि वो स्ट्रेस ये दिखाता है कि आप अपने लिए डिसिप्लिन्ड हो, आप अपने लिए पढ़ रहे हो, आपको पता है कि यार मुझे पढ़ना है, तो वो चीज उतनी स्ट्रेस होना भी चाहिए, पर ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना कि आपने अपने आपको बहुत ज्यादा ही बर्डन में डाल दिया। अब जैसे 11th में आके सारे दोस्त इधर उधर हो गए तो यूं लगता है कि यार हम सब एक साथ थे, कितने मजे आते थे, तो अपनी 10th को एंजॉय भी करो बट साथ के साथ पढ़ाई भी करो, बट स्ट्रेस मत लो, थोड़ी सी लो जिससे आप पढ़ सको, थोड़ा स्ट्रेस होना भी चाहिए, कुल चीटी जितना स्ट्रेस लेना है, बाकी सब कुछ अपने बर्डन इस कंधे पे ऐसे 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 अभी मारो, अभी मेरे साथ करो ऐसे ऐसे, सारी स्ट्रेस को यूं फेंक दो कि ओके नाउ आई एम फ्री, थोड़ा सा स्ट्रेस मैंने रख लिया है, उससे मैं पढ़ाई करूंगा दिल लगा के। आपका एक और क्वेश्चन है कि मैंने कैसे SST पढ़ी। देखो मैंने पहले भी बोला था दैट आई यूज टू फॉलो दिगराज सिंह राजपूत सर, जो कि बहुत बहुत अच्छे टीचर है, ट्रूली एडमायर हिम अ लॉट, और आप उनको उन पे बिल्कुल आंख बंद करके ऐसे बैठ जाओ, बस उन पे ट्रस्ट कर लो। उनकी वीडियोस थोड़ी लेंदी होती है नो डाउट, उसमें कोई भी मैं यूँ नहीं बोलूँगी कि आप गलत बोल रहे हो, उनकी वीडियो लेंदी होती है बट आपको ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जब आप उनकी वीडियो को देखोगे। दो घंटे देखो मैं ही नहीं बोल रही एक जगह दो घंटे बैठ जाऊँ कि पूरी एक ही बार में वीडियो देखो, नहीं ऐसे मत करो बेशक से, अगर आपकी सेटिंग नहीं है उतनी देर की, टारगेट बनाओ कि आज मेरे को ये दो टॉपिक कवर करने हैं SST में। मान लो हिस्ट्री का कोई टॉपिक नेशनलिज्म इन यूरोप निकाल लिया, उसमें मेरे को आज ये वाला टॉपिक खत्म करना है, तो उस दो टॉपिक आपने कोई भी उठा लिया, उन टॉपिक को जब आप पढ़ो कि दिगराज सर का वो पूरा चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, वहां से बस उन दो टॉपिक को पढ़ लो, ठीक है, उन दो टॉपिक को पढ़ के आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, देन उसके बाद नेक्स्ट डे थोड़ा सा पढ़ लिया, ऐसे करोगे SST को थोड़ा थोड़ा करके तो हो जाएगी SST। एक दिन में मान लो आधे घंटे की वीडियो देख ली और उसमें दो टॉपिक कवर हो गए मान लो, तो ऐसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेके पढ़ोगे तो चीजें बहुत आसान लगेगी और हो जाएगी। SST 10th की मैं कहूँगी थोड़ी सी बोरिंग होती है, नो डाउट है थोड़ी सी बोरिंग, बट बहुत मजे आएंगे पढ़ने में अगर उसको समझ के पढ़ोगे तो। नोट्स बनाओ, दिगराज सिंह राजपूत सर की ही वीडियोस में नोट्स रहते हैं, वो हर वीडियो में मतलब स्लाइड्स जो रहती है उनको नोट्स बना लो, NCERT में ही अंडरलाइन कर लो अपने नोट्स को और फिर उन नोट्स को याद करो जो दिगराज सर देते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इन क्वेश्चन, हाउ डिड यू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस लाइक इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो रियली लव योर हार्ड वर्क एंड योर वीडियोज, थैंक यू सो मच सिया, लव यू। ओके तो कैसे डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करी मैंने, पहली बात इन माई 10th आई वॉज नॉट इन इंस्टाग्राम, अभी 11th में भी मैंने मतलब जैसे ही 10th का बोर्ड एग्जाम दिया तब मैं इंस्टाग्राम पे आई थी और अभी मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ करंटली, यूज़ किया फिर बंद कर दिया, फिर यूज़ किया फिर बंद कर, अभी भी मैं करंटली नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे। तो कैसे मैंने ये तो क्लियर ही हो गया कि इंस्टाग्राम पे मैं थी नहीं तो मेरे लिए वो डिस्ट्रैक्शन नहीं बनी, पर मैं यूट्यूब मेरे लिए बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन थी, नॉट मेकिंग वीडियोज और अपलोडिंग ये नहीं, मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट्स देखती थी, बहुत ज्यादा, लाइक मुझे नहीं पता चलता था मेरे कब 3-4 घंटे चले गए। मैं सच्ची सच्ची बातें बताऊंगी, तुमसे कुछ छुपाऊंगी नहीं, उसके लिए बस मैंने इतना किया उस डिस्ट्रैक्शन को समझा पहले कि क्या वो सच्ची में मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन है, और वो जब मुझे पता चला कि यस ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है मेरे लिए, उस दिन से खुद को अकल पड़ी। फिर क्या हुआ, मैंने टाइम लिमिट लगा दी कि 30 मिनट से ज्यादा यूट्यूब चलेगा ही नहीं, अपने आप बंद हो जाएगा, वो आपको आएगा लिखा कि इग्नोर लिमिट करो, तो वहाँ मैंने 30 मिनट का टाइमर लगा दिया, फिर उससे मेरी थोड़ा कम हुआ, उसके बाद खुद पे एकदम ऐसे दिल पे ना पत्थर लग लिया रख लिया, अपने आप को चैलेंज किया, और फिर चैलेंज जब किया तो मैंने बिल्कुल भी यूट्यूब नहीं लिया, मतलब 1-2-3 हफ्ते मैंने बिल्कुल भी यूट्यूब नहीं देखा, बिल्कुल भी मतलब एक शॉर्ट तक नहीं देखी, फिर ऐसे ही खोल लिया एक दिन तो फिर देखने लगी, उसमें भी मैंने धीरे धीरे ऐसे ही शुरू करी थी पढ़ाई की वीडियोस देखना, उसके बाद धीरे धीरे फिर दोबारा वो आदत बनने लगी, बट उसके बाद ना कभी उतना मन नहीं किया देखने का जितना मैं पहले देख लेती थी, और अब भी मैं आपको बता रही हूँ अब तक मेरा यूट्यूब देखने का उतना मन नहीं करता, मैं नहीं देख सकती अब उतने ज़्यादा शॉर्ट्स या उतने व्लॉग्स, मैं बहुत कम देखती हूँ अभी, हो गया तो डिस्ट्रैक्शन से यही, अपने आप को चैलेंज करो, और ऐसी कोई दवा नहीं है कि मैं आपको खिला दूंगी और आपकी डिस्ट्रैक्शन चली जाएगी, आपको खुद को जब दिल पे लगेगी ना कि यस दिस इज डिस्ट्रैक्शन फॉर मी और मेरे को इससे दूर रहना है नहीं तो मेरे मार्क्स कम आएंगे। आई होप सिया योर डाउट इज क्लियर्ड एंड स्टिल कोई डाउट हो यू कैन जस्ट कमेंट मी। सो थर्ड क्वेश्चन इज ख्यात्री स्ना बोरा, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, आपने RD शर्मा फॉलो किया था, रेफरेंस कौन सा लिया था? तो आप मैथ्स की बात कर रहे हैं, आई थिंक RD शर्मा, तो मैथ्स में मैंने NCERT से ही किया था बिकॉज मेरी मैथ्स कभी इतनी अच्छी नहीं थी, एंड मैंने बताया था मैं ऋतिक सर को फॉलो करती थी, उनकी वीडियोस हैं बहुत सारी की 50-50 क्वेश्चंस वो एक ही चैप्टर से करवाते हैं, वो वहाँ से मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेती थी, एंड शोभित भैया को भी मैं फॉलो करने लगी थी, बट मैं बहुत लेट फॉलो करने लगी थी, मुझे पता नहीं था उससे पहले कि शोभित भैया भी पढ़ाते हैं, मुझे लगता था सिर्फ वो मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाते हैं, बट लाइक एंड में एक महीने में ही
एक महीना था शायद बोर्ड्स के लिए, तब मैं उनसे पढ़ने लगी थी। तो मैंने इन दोनों को फॉलो किया, प्लस मैंने एनसीईआरटी तो इतने अच्छे से कर ली थी, एनसीईआरटी की बहुत अच्छे, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मैंने लगाई थी मैथ्स की। तो आप ये चीज़ें करके देख लो। रेफरेंस बुक मैंने फॉर मैथ्स मैंने कोई भी नहीं यूज़ करी थी। साइंस में आई थिंक आई डिड लखमीर सिंह एक दो चैप्टर के लिए, बट मुझे वो थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स लगी ज़्यादा, तो मैं मेरे को और फिर मेरे सीनियर्स ने सजेस्ट किया कि साइंस मैथ्स के लिए सिर्फ एनसीईआरटी कर, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, रेफरेंस बुक मत यूज़ कर। दिस वॉज सजेस्टेड बाय माय सीनियर्स। तो फिर मेरे को लगा कि यार वो सीनियर्स हैं वो सही बोल रहे होंगे, तो इसलिए मैंने सिर्फ एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी फ्रॉम प्रीवियस ईयर, दैट्स इट। आई डिड नॉट यूज एनी रेफरेंस बुक फॉर मैथ्स एंड साइंस। बट अगर आपको ये मेरे सीनियर्स ने भी बोलते हैं कि अगर मैथ्स में तेरे को फुल लाने तो तू आरडी शर्मा एक बार लगा सकती है। स्टडी डैश एस्थेटिक दिया, प्लीज़ अपने नाइन्थ क्लास की परसेंटेज शेयर करो ना प्लीज़। आई हैव ऑलवेज बीन एन एवरेज स्टूडेंट, तो मतलब इतनी कोई मैं इंटेलिजेंट नहीं थी, तो नाइन्थ में मेरी 85% आई थी। तो नाइन्थ में 85% से रोई थी मैं, खुश नहीं थी, पर कहीं ना कहीं यूँ था कि इतना ही पढ़ा था बहन, इतना ही आएंगे। यूजर जो भी है, प्लीज़ प्लीज़ दी कैन यू हेल्प मी दैट यू गेट दिस मच मार्क्स इन एग्जाम। How many hours did you learn and from which books? Please reply, I'm in class 10th, please. मेरा कोई fix hours number of, या मैंने कभी देखा भी नहीं मैं कितने घंटे पढ़ती थी, बट मेरा कोई fix नहीं था। बट जहाँ तक है मैं 5-6 घंटे पढ़ती थी रोज़ दिन में, मतलब एक दिन के मेरे 5 घंटे तो रहते थे, 4-5 घंटे तो मैं पढ़ती थी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ जब बोर्ड्स पास आए थे तो थोड़ा और खिंचा था, इंक्लूडिंग सैम्पल पेपर्स वगैरह मेरा पहुँचता था सही घंटे, 9-10 भी पहुँचे हैं मेरे, तो इतना भी पढ़ी हूँ मैं टेंथ में। जब सैम्पल पेपर्स को साथ मिला के मैं बता रही हूँ, 2-2 घंटे के सैम्पल पेपर्स रहते थे, 4 घंटे तो वहीं हो जाते थे, तो 3-4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ती थी मैं, और ऐसे मिला के चलती थी। तो मैंने आपको बता दिया फॉर मैथ्स एंड साइंस ये बुक्स थी, फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मैं ये बुक्स हैं दोनों, फॉर हिंदी और इंग्लिश इन दोनों बुक्स को ही मैं पढ़ती थी, मतलब जैसे एक चैप्टर करती थी और उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं एक चैप्टर से, तो और समरी भी दी होती है, तो उन समरी को पढ़ लेती थी, वहाँ से एक पूरा आइडिया हो जाता था कि आपका अगर लॉन्ग आंसर आ गया तो आप इधर से थोड़े आंसर्स फ्रेम करके लिख सकते हो। प्रांजल अग्रवाल ने पूछा है विच स्ट्रीम यू हैव चूजन, तो हैव चूजन ह्यूमैनिटीज, एंड बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा था, और ये एक था पता है लोगों को इतनी मिथ होती है कि जिसके कम नंबर है वही ह्यूमैनिटीज लेते हैं, तो मेरे को ना कहीं ना कहीं ये भी बहुत डर था क्योंकि आई वॉज क्लियर फ्रॉम स्टार्टिंग कि मैं 11th में ह्यूमैनिटीज लूंगी, तो मुझे कहीं ना कहीं ये प्रेशर भी था अपने दिमाग पे थोड़ा बहुत कि मुझे 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं ताकि मैं उन अच्छे मार्क्स के बलबूते पे ह्यूमैनिटीज में जाऊँ, ठीक है। तो आई जब मेरे 95% आए तो आई वॉज कहीं ना कहीं आई वॉज डीपली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड कि ठीक है अब 95% आए तो कोई यू नहीं बोलेगा इसके कम नंबर आए थे इसलिए इसने ह्यूमैनिटीज ली। तो अब मतलब मैं जब ह्यूमैनिटीज बैच में बैठती हूँ ना तो मेरे को कहीं ना कहीं बहुत सेटिस्फाइड लगता है कि मैंने ह्यूमैनिटीज इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरे मार्क्स कम आए, आई हैव टेकन ह्यूमैनिटीज बिकॉज आई लव दो सब्जेक्ट्स। सो गाइस अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं बट ये वीडियो बहुत लेंदी हो रही है, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो, तो मैं दूसरे पार्ट में आपको बाकी के क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। आई होप अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस क्लियर की हैं उनके आपको आंसर्स मिल गए होंगे, और मैंने अपनी छोटी सी बुद्धि से आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस से उन्हें आंसर देने की कोशिश करी और आप लोगों को समझ आए होंगे। सो इधर ही मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, एंड उससे पहले प्लीज ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, चिल करो, ज्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं लेना है, 10th क्लास हो जाएगी, आसान है, बस भगवान में भरोसा रखो और अपने पे बिलीव करो कि आप कर सकते हो, और बस कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहो। आई ट्रूली बिलीव इन ऑल ऑफ यू कि आप लोग सब फाड़ के आओगे इस बार बोर्ड्स के एग्जाम में, और ऐसे ही बस आपको भी अपने अंदर बिलीव रखना है कि आप सब अच्छा ही करोगे। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नाइव व्लॉग्स। आप लोगों से मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।